हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुंडई के टॉप सेलिंग प्रीमियम हैचबैक i10 न्योस के बारे में। सामने दो आप वेरिएंट देख रहे हैं, ये मैग्ना वेरिएंट है और ये इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है। सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की, तो मैग्ना वेरिएंट का एक्सोरूम है 6 लाख रुपये, वहीं स्पोर्ट्स वेरिएंट का प्राइस है 6,77,000 रुपये, ऑलमोस्ट 77,000 रुपये महंगी है स्पोर्ट्स वेरिएंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑलमोस्ट 77,000 रुपये में आपको क्या कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। डायमेंशन में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें गाड़ी के लुक्स के बारे में, तो फ्रंट लुक गाड़ी का बहुत ही शानदार है। 1680 mm गाड़ी के अंदर आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है, वहीं यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको फोग लैम्प मिल जाते हैं एंड ग्रिल आपको ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है। ग्रिल के इंटीग्रेटेड ही यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, साथ ही साथ सामने हुंडई का आपको लोगो मिल जाता है। बात करें मैग्ना वेरिएंट के फ्रंट लुक के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, साथ ही साथ ब्लैक फिनिश के अंदर ग्रिल मिल जाती है एंड यहाँ पे भी आपको DRLs मिल जाते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में फोग लैम्प का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रंट लुक दोनों गाड़ी का सेम है, बस स्पोर्ट्स वेरिएंट में फोग लैम्प एड ऑन हो जाते हैं। बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में, तो ऑलमोस्ट 3800 mm गाड़ी के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी। और टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो मैग्ना में स्टील रिम के साथ व्हील कवर्स आते हैं, वहीं स्पोर्ट्स वेरिएंट में एलोयज का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर के अंदर एलोय है, बाकी टायर सेक्शन दोनों गाड़ी में सेम मिलेगा, दैट इज़ 14 इंच। i10 के अंदर 1450 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, वहीं 1520 mm गाड़ी की हाइट देखने को मिलती है। यह है ओवरऑल गाड़ी का साइड लुक। साइड से ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्ना वेरिएंट में फेंडर पे टर्न इंडिकेटर की यूनिट है, वहीं स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिलेगी। दोनों वेरिएंट में बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं, बहुत ही सही। दोनों गाड़ी में ऑटो फोल्डेबल आपको नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जरूर देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल है, बी पिलर ब्लैकआउट मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर रूफ रेल यहाँ पे आपको एड ऑन मिल जाती है, जो कि मैग्ना वेरिएंट में आपको नहीं मिलती। रियर में आपको शार्कफिन एंटीना मिल जाता है, लेकिन मैग्ना वेरिएंट में यहाँ पे आपको ना तो रूफ रेल मिलती है और यहाँ पे आपको पावर एंटीना मिलता है, तो ये एक डिफरेंस दोनों वेरिएंट में देखने को मिलेगा। मैग्ना वेरिएंट के रियर लुक की बात करें, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफोगर रियर वाइपर नहीं मिलेगा, बाकी हेलोजन में टेल लैंप की यूनिट है, ग्रैंड i10 की बैजिंग मिल जाती है, सिंपल न्योस की यहाँ पे बैजिंग है, हुंडई का लोगो है। वहीं स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात करें, तो यहाँ पे स्पॉइलर है, इसी के इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर की यूनिट है, यहाँ पे डिफोगर मिल जाता है एंड रियर में रियर कैमरा भी यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी के अंदर सब कुछ सेम मिलता है, 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस चेक, तो ये है ओवरऑल गाड़ी का बूट स्पेस। दोनों गाड़ियों में सेम बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, नीचे स्पीयर व्हील है, 14 इंच का ही है स्टील रिम के साथ। तो ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का बूट स्पेस, प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे किया गया है, साथ ही साथ ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाता है। अब चेक करते हैं मैग्ना वेरिएंट का बूट स्पेस, तो ये है ओवरऑल मैग्ना का बूट स्पेस, बस यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, बाकी ओवरऑल बूट स्पेस दोनों गाड़ियों में सेम है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, 14 इंच का ही है स्टील रिम के साथ, बस ये भी एक फीचर यहाँ पे एड ऑन आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं अंदर का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करें स्पोर्ट्स वेरिएंट की, तो यह है स्पोर्ट्स वेरिएंट का ओवरऑल लुक। चाबी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको ऐसी फ्लिप की मिलती है, बहुत ही सही, जिस पे लॉक अनलॉक का बटन है एंड बूट को एक्सेस करने का यहाँ पे बटन मिल जाता है। बात करें गाड़ी के डोर ओपनिंग की, तो डोर काफ़ी वाइड है, एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, गेट को लॉक अनलॉक करने का बटन है, वहीं नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, क्या बात है। सीट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी, सीट का टेक्सचर काफ़ी सही मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी कंपनी ऑफर करती है। चौड़ी सीट मिलती है, तो बैठने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप देख ही सकते हैं सीट का जो कुशनिंग है वो कितनी बढ़िया है। आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, AC वैंड के चारों ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता है, वहीं हेडलाइट को लेवल करने का बटन मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करें, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल स्टीयरिंग में मिल जाते हैं, वहीं हुंडई का सामने लोगो मिल जाता है, क्या बात है। चेक करते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा,
स्टॉक्स मिल जाते हैं, वाइपर के स्टॉक से साथ ही साथ हेडलाइट के स्टॉक्स मिल जाते हैं। पूरी गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग मिलते हैं फ्रंट में। एंड बात करें गाड़ी के क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का क्लस्टर देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर एंड आरपीएम मीटर दोनों ही है, बाकी यहाँ पे वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है, बहुत ही सही। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में, तो ये है ओल्ड गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। वहीं सेंटर में आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 7 इंच का, बाकी एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही सही क्वालिटी, काफ़ी सही मिलती है। 12 वोल्ट पावर सॉकेट, नीचे थोड़ा सा स्पेस। एंड बात करें ग्लोव बॉक्स के बारे में, तो डिसेंट साइज का यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। मैनुअल IRBM है, सनसेट पे टिकट होल्डर है, वहीं कोफिशिएंट साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है। डैशबोर्ड काफ़ी सही है, प्रीमियम सी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, कहीं से भी फिट एंड फिनिश में आपको चीप मटेरियल फील नहीं होगा। इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें सेंटर में, तो सेंटर में कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। चलते हैं गाड़ी के रियर साइड की ओर, तो ये है रियर लुक। यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। वहीं सेंटर में आपको सेंटर एसी वेंट मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए। वहीं पीछे आपको केबिन लैंप मिल जाता है। पीछे वाली सीट पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली सीट की क्वालिटी काफ़ी सही है और रिक्लाइन एंगल काफ़ी सही मिल जाता है इन सीट का। हुंडई i10 जो है वो बहुत ही बढ़िया एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है। हुंडई की सभी गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। चलते हैं गाड़ी के मैग्ना वेरिएंट की तरफ, तो ये है मैग्ना वेरिएंट का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड दोनों गाड़ी में सेम मिल जाता है, ड्यूल टोन है, लेकिन सीट के टेक्सचर में आपको फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। ओवरऑल दोनों गाड़ियों का जो डैशबोर्ड है इंटीरियर, वो बहुत ही प्रीमियम सा यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन पूरी गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है एंड डैशबोर्ड के ऊपर हनी कॉम पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। उस साइड चलते हैं एंड आपको ड्राइवर साइड से जाके दिखाते हैं, एग्जैक्टली वहीं से पता चलता है। तो ये है मैग्ना वेरिएंट का इंटीरियर, काफ़ी सही सा यहाँ पे इंटीरियर मिल जाता है। चाबी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी फिलिप की मिलती है, की में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम लोकल नो का बटन, बूट को एक्सेस करने का बटन। बात करें डोर ओपनिंग की, तो डोर वाइड ओपन है होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको ऑल 4 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, डोर को लोकल नो करने का बटन है, वहीं ORVM को एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। बोतल होल्डर है एंड स्पीकर की प्लेसमेंट है। सीट की बात करें, तो भाई सीट में तो डिफरेंस मिलेगा, सीट का जो टेक्सचर है वो भी यहाँ पे भाई काफ़ी बढ़िया से मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, क्या बात है, बढ़िया सी यहाँ पे सीट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलेगा, स्पोर्ट्स में यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलता था, तो ये छोटे मोटे से डिफरेंस मिल जाते हैं। करते हैं गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट। आप जैसा कि नोटिस कर रहे होंगे, मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको क्लस्टर मिल जाता है, वो भी एनालॉग के अंदर, लेकिन जो स्पोर्ट्स वेरिएंट था उसमें एक अच्छा सा क्लस्टर देखने को मिलता था। हालांकि इसमें भी स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों मिल जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट की जो MID थी वो काफ़ी बड़ी मिलती थी, काफ़ी सही है। बाकी सारी वार्निंग लाइट यहाँ पे मिल जाती है। एडजस्टमेंट की बात करें, तो ये भी आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे भी मिल जाते हैं, साथ ही हुंडई का लोगो है। स्ट्रोक्स मिल जाते हैं वाइपर के, हेडलाइट के, बाकी दो एयरबैग यहाँ पे भी कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलेगा, जो कि वहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश था। यहाँ पे डबल डिन का इंफोटेनमेंट मिलता है, मैनुअल AC मिल जाता है एंड सेम है, बस यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलेगा लेकिन इंफोटेनमेंट डबल डिन का मिलता है। कोपेशन साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है, सिंपल। तो ये छोटे मोटे फीचर 77,000 रुपये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 77,000 रुपये आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स भी कंपनी ऑफर कर रही है। ये है गाड़ी की सेकेंड रो। बात करें डोर ट्रिम के बारे में, तो मैग्ना वेरिएंट में रियर में आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, बोतल होल्डर है, वहीं स्पीकर की प्लेसमेंट है। सेम आपको इंटीरियर मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी आपको रियर में रियर AC वेंट मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए। सीट में आपको पीछे फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन सीट के टेक्सचर में आपको ज़रूर बदलाव मिलेगा। सीट काफ़ी अच्छी आती है i10 के अंदर, वहीं लुक्स में आपको कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा, बट हाँ कॉस्मेटिक चेंज दोनों गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। फाइनली बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो i10 Neos के अंदर 1.2 लीटर 1197 cc का 4-सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि 81 PS ऑफ पावर, वहीं 113 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। बात करें माइलेज की, तो कंपनी 18 की माइलेज क्लेम करती है इस इंजन के साथ। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा।
ओवरऑल 77,000 रुपये एक्स शोरूम अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो भाई इसमें इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट मिल जाता है। वहाँ पे आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे रियर में डिफोगर मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, सीट के टेक्सचर में आपको चेंज मिल जाता है, वहीं क्लस्टर में भी आपको चेंज मिलेगा, बाकी छोटे छोटे आपको डिफरेंस स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। तो 77,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पे भाई आपको गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स वेरिएंट आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।